वेलकम गाइज, फोरम एमके चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, फाइनली रक्षाबंधन के अवसर पर सभी के लिए नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, सभी यानी कि बीएससी नर्सिंग के, आपके पोस्ट बीएससी नर्सिंग के, और आपके यहाँ तक के पैरामेडिकल के, और यहाँ तक कि बीपीटी के एप्लीकेशन, सभी के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बेसिकली अभी हम आपको दिखाएंगे, पूरा प्रोस्पेक्टस जारी हो चुका है, पीडीएफ जारी कर दिया है, कहाँ का है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि अभी यहाँ पर आपको अंडरलाइन में दिख गया होगा रेड कलर में, एडमिशन नोटिस फॉर नर्सिंग बीपीटी पैरामेडिकल अदर कोर्सेज, उसके लिए डेट अनाउंसड हो चुकी है गाइज। आप सभी के लिए रक्षाबंधन पर बहुत ही अच्छी खबर आई है, तो देख लेते हैं इसका पूरा प्रोस्पेक्टस कहाँ का है, किस प्रकार है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोस्पेक्टस एडमिशन नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज। सो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए हो चुका है, बीपीटी के लिए हो चुका है, यानी कि बैचलर ऑफ, जानते हैं ना गाइज, इस कोर्स को करके आप नाम क्या के डॉक्टर लगा सकते हो। ठीक है, सो इस प्रकार बीएससी इन मेडिकल यानी कि पैरामेडिकल के काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए गाइज। सो आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहेगा ये वीडियो। सो गाइज, जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी फॉर्म आएंगे तो हम ही आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस रखना। तो काफ़ी सारी जगह फॉर्म आ चुके हैं, और आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, और जहाँ जहाँ पर अभी तक नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना गाइज, सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। तो बायोडाटा चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइज, आपके रोहतक हरियाणा में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर कब होएंगे, तो हमने आपको पहले बता दिया था कि थर्ड वीक ऑफ अगस्त तक हो जाएंगे, तो ये फाइनली स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यूपी वाले है, मध्य प्रदेश वाले है, राजस्थान वाले, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके लिए भी बहुत जल्द फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका पूरा क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं गाइज। सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, इन सभी के लिए यहाँ पर डेट मिल चुकी है आपको। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो, 20 अगस्त से 9 सितंबर तक डेट आपके लिए अवेलेबल रहेगी। 9 सितंबर के बाद कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता रोहतक हरियाणा में। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पर 9 सितंबर रहने वाली है, तो इससे पहले पहले ही आपको अप्लाई करना होगा। एडिटिंग का डेट दे रखा है 10 सितंबर रहने वाला है, और लास्ट डेट हमने बोला ना कि 9 सितंबर आपके लिए रहने वाली है, मध्य रात्रि 12 बजे तक। ठीक, तो इसके बाद आपका आ जाता है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका सभी को इंतज़ार रहता है कि कब है हमारा एग्ज़ाम, तो वो है आपका 19 सितंबर को, संडे को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बहुत कम टाइम बचा है आपके लिए, एक महीना आपके पास बचा हुआ है तैयारी का, तो किस प्रकार से तैयारी करनी है एक महीने के अंतर्गत ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो तो हम आपको भी टिप्स एंड ट्रिक दे देंगे। ठीक है, ओके गाइज, एडमिट कार्ड आपको 14 तारीख को मिल जाएगा, 14 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड, जिसमें आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर शो किया हुआ होगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आया है, कहाँ पे जाना है, कितनी बजे जाना है, क्या लेके जाना है, सब कुछ आपको एडमिट कार्ड में दिखा दिया जाएगा। अब आती है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट आपका ये देखिए, तो रिज़ल्ट आपको कब मिलेगा, आपका जो एग्ज़ाम है ना उसके 10-15 दिन बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, और 20 से 25 दिन के बाद यहाँ पर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है गाइज। ठीक है, तो तैयारी की फिक्र आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, हम आपके साथ हैं। सो गाइज, हमने आपकी तैयारी का बंदोबस्त कर दिया है जेके लोन जॉब चैनल के द्वारा। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, जेके लोन जॉब चैनल फॉलो कीजिए गाइज। इस चैनल से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, जेके लोन जॉब चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन चाहिए, तो आप भी फॉलो कर लीजिए गाइज। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट हमने जान ली है, मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे, तो जनरल और जो ओबीसी वाले 50% यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और जो अनरिजर्व वाले उनके लिए 40-45 यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी गाइस, इतना सा तो आपके पास होना ही चाहिए 12th में स्कोर। चलिए और भी यहाँ पर देख लेते,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। कौन कौन सी सीट है वो भी हम आपको दिखा देंगे, यहाँ से योग्यता देख लेना 10+2 और कितना परसेंटेज होना चाहिए ये देखिए। जनरल ओबीसी वालों के लिए 45 और एससीएसटी वालों के लिए 40% यहाँ पे होना चाहिए, जो कि ऑल इंडिया में भी यही है, ठीक है। और यहाँ पर सीटें हम आपको दिखा देते हैं गाइज। सो गाइज, जैसे कि आप चार्ट पैटर्न देख पा रहे होंगे कहाँ पर कितनी सीटें, तो यहाँ पर फोकस कीजिए कॉलेज ऑफ नर्सिंग PJMS रोहतक, ठीक है। तो यहाँ पर बीएस नर्सिंग की सीटें आप देख सकते हो, दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग खरनाल में भी आप देख सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सैपिडोन में भी आप देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। टोटल देखोगे तो 82, 44, 60 सीट यहाँ पर गवर्नमेंट आपके लिए अवेलेबल है। पैरामेडिकल के लिए भी आप इसी प्रकार देख सकते हो, पैरामेडिकल की काफ़ी सारी सीटें अवेलेबल है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर अदर जो कोर्सेज है उनकी भी आप इसी प्रकार चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, बट वो तभी मिलेगा जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे से करके आते हो। सो गाइज, इतना ही नहीं, आपके लिए यहाँ पर सिलेबस भी इन्होंने जारी कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अधिकतर आपका सिलेबस 11th और 12th का ही रहने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। और यही क्वेश्चन हम आपको जेके लोन जॉब चैनल पर अवेलेबल करवा रहे हैं विथ प्रैक्टिस, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कौन सी बुक हमको बाय करना चाहिए, हमको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे गाइज। आपको 11th और 12th को फॉलो करना है जितना हो सके, ठीक है। और अभी हम आपको दिखा देंगे, अभी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए। ये पीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख लो कितना पेमेंट लगने वाला है, यहाँ पर 12,000 रुपये आपकी यहाँ पर पीस स्ट्रक्चर दिखा रखी है, और ट्यूशन पीस यहाँ पर 1500 रुपये, सिक्योरिटी की जो लगने वाली है टोटल आपकी यहाँ पर ग्रेड वन में 13,500 लगने वाली है, ग्रेड बी में 2,750 लगने वाली है। बीएससी नर्सिंग की, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की भी आप देख सकते हो गाइज, ये सीजन 2021 का भी इसी प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही लो पीस है गाइज, गवर्नमेंट में ज़्यादा पीस नहीं होती, ठीक है, कंपेयर टू प्राइवेट। सो यहाँ पर सिलेक्शन होना, पैसों की बचत भी है, साथ में हाई वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके लिए प्लेसमेंट की सुविधा है, जॉब की सुविधा है, काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीस कुछ ज़्यादा नहीं है गाइज, बहुत ही लो पीस पर आपके यहाँ पर नर्सिंग कोर्स हो रहा है, ठीक है। और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो उसका चार्ज अलग से इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम आपको टेलीग्राम दिखा देते हैं। ये कोर्स आपका 4 साल का होगा बीएस नर्सिंग, और पोस्ट बीएस नर्सिंग 2 साल का होगा। ओके गाइज, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे DRMK ब्रो या फिर इस नाम से भी सर्च कर सकते हो, और वैसे लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दिया है, ताकि टेलीग्राम को आप फॉलो कर सको। और यहाँ पर हर अपडेट, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स आप यहाँ पर पा सको, ठीक है। तो ऑल इंडिया वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी के यहाँ पर आपको मिलेंगे। सो गाइज, ये PDF तो हम आपको सेंड कर ही देंगे टेलीग्राम पे, बट आपको अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट दिखा देते हैं आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है गाइज, ठीक है, और किस प्रकार से आपको ये PDF डाउनलोड करना है। चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको ले चलते हैं। सो गाइज, सिंपली आपको अपने ब्राउज़र में टाइप कर लेना है UHSR.ac.in, ठीक है, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक हरियाणा, ठीक है। तो ये इस प्रकार की दिखेगी आपको इंटरफेस। तो अब आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी वेबसाइट है, तो आपको कहाँ पर जाना है चलिए हम आपको दिखा देते। आपको लेना है नर्सिंग कोर्स में, पैरामेडिकल कोर्स में प्रवेश, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है एडमिशन के ऑप्शन पर। तो चलिए क्लिक हमने कर दिया है, कुछ नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये एडमिशन कहाँ कहाँ पर स्टार्ट है ये देखो। तो यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट है नर्सिंग BPT पैरामेडिकल वालों के लिए स्टार्ट हो चुके हैं, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं उनके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। हम ऑल इंडिया पर हर जगह निगरानी रखते हैं, यानी कि आपके उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो, जहाँ पर भी आएंगे ना, सब कुछ ये इसी चैनल पर आपको मिलेगा। आपको तो बस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी गाइज, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर UG जो कोर्स एज है जैसे कि ये रहा, तो इस पर आप क्लिक करोगे ना तो आपको सारी डिटेल अपने आप ओपन हो जाएगी। ये लीजिए, ये नोटिस ओपन हो चुका है, ठीक है, जिसमें आपको डेट मिल चुकी है यहाँ पर
कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट यहाँ पर 9 सितंबर रहने वाली है। इससे पहले पहले आपको संभलना होगा। रजिस्ट्रेशन का चार्ज वगैरह सब काउंसलिंग फीस इसमें आपको मिल जाएगी गाइस, ठीक है। तो ये किनका है, सीटी वालों के लिए दे रखा है, ये देखिए। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी नोटिस में, ठीक है। और यहाँ से अदर इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो, ये देखिए। तो बहुत सिंपल है गाइस सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आप, तो कोई भी डाउट है तो पूछ लेना और आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। कोई भी डाउट है तो सीधा आप कमेंट कर सकते हो और आपके हर कमेंट का जवाब एमकेएस इंस्टीट्यूट चैनल पर दिया जाएगा। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। काफ़ी सारी जगह फॉर्म आ चुके हैं और बचे हुए जो स्टेट हैं वहाँ पर भी 10-15 दिन में आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन पर प्रेस करके रखना।